राज्यसभा में बुधवार को तीन तलाक पर बिल पेश करने के दौरान विपक्ष ने बिल पर एक सुर में विरोध दर्ज किया, जिससे बिल पास नहीं हो सका। कांग्रेस के साथ टीएमसी, एसपी, बीजेडी के सांसदों ने हंगामा किया, वहीं वोटिंग कराए जाने की मांग की। हंगामे को देखते हुए राज्यसभा कार्यवाही 4 जनवरी 2018 सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं सपा नेता नरेश अग्रवाल ने फिर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ट्रिपल तलाक बिल पेश किए जाने के दौरान राज्यसभा में मौजूद मुस्लिम महिलाओं के बारे में कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि वो मुस्लिम थी। आपने देखा, क्या पता वो बीजेपी की महिला मोर्चा की सदस्य हों। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में 14 पार्टियां ट्रिपल तलाक बिल पर पुनर्विचार चाहती हैं। इसी पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह बिल लोकसभा में आया है, ऐसे में संशोधन के लिए एक दिन पहले नोटिस देना था। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट रहना होगा, एक पार्टी बिल को खराब नहीं कर सकती। पूरा देश देख रहा है कि एक सदन में बिल को समर्थन किया गया, वहीं दूसरे सदन में विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस ने संसदीय परंपरा को तोड़ा है, आज पहली बार संसदीय परंपरा को तोड़ा गया है। कांग्रेस अब राज्यसभा में बिल का विरोध क्यों कर रही है, जब उसने लोकसभा में इसका समर्थन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।